ठीक है, तो कुछ क्लास चालू करते हैं। कल आपको फॉर्म्स के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स, इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और उसमें भी जो अपने काम में आएंगी वो रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म में काम में आएंगी, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर से पोलर या पोलर से रेक्टेंगुलर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये मैंने कल बताया था। और आप सभी ने क्वेश्चंस भी जो मैंने कल असाइनमेंट नोट्स में थे उसको कर भी लिया था, आंसर भी अपना चेक कर लिया था, वेरीफाई कर लिया था। तो होपफुली कि आपको रेक्टेंगल से पोलर और पोलर से रेक्टेंगुलर करना आ गया होगा। कल ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक बचेगा और उसके बाद मैं ट्यूटोरियल दे दूंगा इसका। तो ट्यूटोरियल के अंदर आई विल गिव सफिशियंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम और उसका आंसर भी मैं दे दूंगा, तो आप उन सबको कर लीजिए और चेक योर आंसर्स आल्सो। अब जो टॉपिक है 4.8 वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, और इसके आगे है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ अ वेक्टर। तो इन फॉर्म्स को यूज करके हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। इसमें ध्यान रखिए, किसी भी वेक्टर के एडिशन व सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए, आपको दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा हमेशा, पोलर फॉर्म से एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म के साथ, तो ये ध्यान रखिए जो ऑपरेशन होगा एडिशन का वो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ होगा और इमेजरी का इमेजरी के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि रियल को इमेजरी से जोड़ दो, इमेजरी को रियल से जोड़ दो, ऐसा मत कर दीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म जो यूज की जाएगी वो की यूज की जाएगी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज करने के बाद हम उसको रियल नंबर को रियल के साथ ऑपरेट करेंगे और इमेजरी नंबर को इमेजरी नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे, एडिशन दोनों को जोड़ देंगे, सब्ट्रैक्शन तो घटा देंगे। ठीक है, अभी छोटा सा एग्जांपल है। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि यदि वो एग्जामिनर कहता है आपको कि आंसर इस फॉर्म में चाहिए, मीन्स आंसर रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए, पोलर में चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में चाहिए या एक्सपोनेंशियल में चाहिए, तो आपको फाइनल आंसर उस फॉर्म में निकाल के देना पड़ेगा। एग्जामिनर कुछ नहीं कहता है तो आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे दे रखा है कि दो करंट दे रखे हैं, I1 = 15 + j10 और I2 = 12 + j6, देन फाइंड I1 + I2 and I1 - I2। ये माइनस है भैया, आपने गलती से प्लस लिख दिया था, एक्चुअली दिस इज माइनस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने का। सो I1 + I2 = दोनों को लिख लिए, 15 + j10 + 12 + j6। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो इसमें 15 जुड़ जाएगा 12 के साथ, जैसे मैंने आपको बताया रियल रियल के साथ जुड़ेगा और इमेजरी इमेज के साथ ऑपरेट होगा। जोड़ना सब्ट्रैक्ट करना है तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपको क्या दिया होगा। ठीक है, सो रियल तो रियल के साथ ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, 15 + 12 आपका हो जाएगा 27, ये 27 ओके। और इमेजरी इमेजरी के साथ ऑपरेट होएगा। ठीक है, ये j10 है और ये 6 है, तो ये दोनों ऑपरेट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 16, तो ये आपका 16। तो I1 + I2 = कितना हो जाएगा 27 + j60। आप इसको पोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो पोलर में मांगता है ओके। और I1 - I2, तो ये I1 हो गया 15 + j10 - 12 + j6, ब्रैकेट खोल दिया, दोनों माइनस हो जाएंगे ये, तो 15 + j10
माइनस 12 माइनस जे सिक्स। सिमिलरली अगेन रियल रियल के साथ ऑपरेट होगा, इमेजरी इमेज के साथ ऑपरेट होगा, तो 15 माइनस 12 हो जाएगा, कितना बचा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 3 आ गया। और इमेजरी इमेज के साथ ऑपरेट होगा, इमेजरी कितना है 10, जे 10 है और माइनस जे 6 है, तो ये हो जाएगा 6, 10 माइनस 6 कितना होगा 4, तो ये बच जाएगा 4, तो ये आ गया 3 प्लस। ठीक है, समझ में आ गए? हाँ बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको कन्वर्जन आपको आना चाहिए। एक और एग्जांपल मैंने करवाया है, दिया है इसमें, ये है If two voltages V1 equal to 25 angle 50 degree and V2 equal to 15 angle 60 degree volt है, then find V1 plus V2 and V1 minus V2. दो वोल्टेज दे रखे हैं, पोलर फॉर्म में दे रखे हैं, ध्यान रखिए ये फॉर्म कौन सी है, पोलर है। तो ऐसा मत कीजिए कि V1 plus V2 में आप 15, 25, 40 करते हैं, एंगल 60 plus 50, 75 करते हैं, ऐसा करें गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए पोलर फॉर्म दे रखी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो आप सबसे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर, ठीक है। सो V1 इक्वल टू 25 एंगल 15, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा 24.15 प्लस जे 6.47 वोल्ट। कल जो करवाया था पोलर से रेक्टेंगुलर, शिफ्ट दबा के पोल दबा दीजिए, REC आ जाएगा और फिर कन्वर्ट कर दीजिए जैसा कल मैंने आपको बताया। ठीक है, कैलकुलेटर तो आप चेक कर सकते हैं इसको, मैं कैलकुलेटर भी लेके बैठे हैं क्या? चेक कर लिया। ठीक है ना, गुड। और इसी प्रकार से V2 बराबर 15 एंगल 60 है तो ये हो जाएगा 7.5 प्लस जे 13। इसमें कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको करेंगे तो कई बार जब 12.99 आया तो उसको 13 कर दीजिए, 14.002 आया तो 14 लिखिए, क्योंकि डेसिबल में इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं जो फाइनल आंसर के अंदर। ठीक है, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा इसके अंदर काफ़ी, तो ध्यान रखिए। अब V1 भी मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, V2 भी मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, अब V1 प्लस V2 कर दीजिए तो 24.15 प्लस जे 6.47 प्लस 7.5 प्लस जे 13। ठीक है, सो जैसा मैंने बताया रियल रियल के साथ ऑपरेट होएगा, इमेजरी इमेजरी के साथ ऑपरेट होएगा, तो ये 24 प्लस 7.5 ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31.65, 24.15 नेट नहीं आ रहा, मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ बाद में। ओके, ठीक है। और अब इमेजरी इमेजरी के साथ हो जाएगा, इमेजरी कितना है जे 6.47 और 13, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो रही है, गलत कर दिया, 19.47, हाँ 6.47 एंड 13, तो ये हो जाएगा 19.47, ये 19.47। अब जैसा मैंने आपको बताया था क्योंकि आंसर क्वेश्चन पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको 13.65 प्लस जे 19.47 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आपकी पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर से पोलर में इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 37.15 एंगल 31.6। सो V1 प्लस V2 इक्वल टू 37.15 एंगल 31.6। इसी प्रकार से माइनस करना है तो सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस हो गया V1 माइनस V2, ये V1 है 24.15 प्लस जे 6.47 माइनस 7.15 प्लस जे 13, ब्रैकेट खोल दिया दोनों माइनस में आ गए, 24.15 प्लस जे 6.47 माइनस 7.15 माइनस जे 13। ठीक है,
वो फॉर्म बोलो, थोड़ी है ये, वो समझ में रियल नहीं है नंबर क्या और क्या उस कह रहे हो विकास? नंबर और इमेजिनरी नंबर रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो ऐड किया। रियल को रियल के साथ करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करेंगे। कर लिया, लेकिन उसके बाद में वो फॉर्म आई है क्या सर? अब रियल को रियल के साथ जोड़ दिया, 31.65 आ गया। इमेज को इमेज साथ जोड़ दिया, 19.47 आ गया। इस पूरे को पोलर में कन्वर्ट कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 37.15 और एंगल आ गया 31.6। ये कौन सी फॉर्म में है सर? ये तो पोलर फॉर्म है, एंगल के साथ जो आ गया तो पोलर फॉर्म में भाई। पोलर फॉर्म में आएगी है ना? हाँ क्यों, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पोलर फॉर्म में दे रखा नहीं है V1 और V2 का मान, इसलिए इसको पोलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? ओके। अब ये 24.15 और जे 6.47 माइनस 7.5 माइनस जे 13। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये इससे रियल रियल के साथ ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, 24.15 माइनस 7.5 ये आ जाएगा 16.65, और इमेजरी इमेजरी के साथ ऑपरेट हो जाएगा 6.47 माइनस 13, तो ये आ जाएगा माइनस का 6.53। तो 6.65 माइनस जे 6.53, इसको पोलर में कन्वर्ट कर दिया अपन ने रेक्टेंगुलर से, पोलर में कन्वर्ट करके ये आ गया 17.88 माइनस 21.41। सो V1 माइनस V2 इक्वल टू 17.88 एंगल माइनस 21.44। आगे समझ में चले आगे? ओके सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दो वेक्टर है उनको मल्टीप्लाई करना है या उनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए किसी भी वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हमेशा पोलर फॉर्म यूज करेंगे। तो फॉर्म जो यूज की जाएगी दैट इज ऑलवेज पोलर फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सपोज कीजिए दो वेक्टर हैं, x1 इक्वल टू p1 एंगल थीटा 1 और x2 बराबर p2 एंगल थीटा 2। तो मुझे गुणा मल्टीप्लाई करना है x1 इंटू x2, तो पोलर फॉर्म में यूज करेंगे। तो p1 एंगल थीटा 1 इंटू p2 एंगल थीटा 2, तो क्या हो जाएगा बेसिकली मैग्नीट्यूड तो देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, p1 इंटू p2 ये मैग्नीट्यूड तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, p1 इंटू p2 हो गए, और एंगल आपस में जुड़ जाएंगे। अगर प्लस साइन है दोनों का एड हो जाएंगे, माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। थीटा 1 प्लस का है, थीटा 2 प्लस का है, तो एंगल कितना हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंगल आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यदि डिवीजन करते हैं एक्स वन अपॉन एक्स टू इक्वल टू पी वन एंगल थीटा 1 डिवाइडेड बाय पी टू एंगल थीटा 2, तो डिवीजन के अंदर क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपस में डिवाइड हो जाएगा पी वन अपॉन पी टू, और एंगल है ये थीटा 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और नीचे माइनस साइन है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो एंगल कितना बच जाएगा, एंगल बचेगा आपके थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये एंगल आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा। दिस इज वेरी सिंपल, मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएंगे, एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन है, एंगल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंगल ऐड हो जाएंगे विद साइन, बस साइन का ध्यान रखिएगा। अब ये सिंपल का क्वेश्चन ले लेते हैं। माना दो फेजर हैं, दो फेजर हैं वी वन इक्वल टू 4 प्लस जे 3 और वी टू इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस जे 6। तो ज्ञात कीजिए वी वन इंटू वी टू एंड V1 अपॉन V2, मतलब मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। फॉर्म जो दे रखी है वो दे रखी है अपने को रेक्टेंगुलर,
आंसर भी अपना रेक्टेंगल के अंदर ही लाना है, ठीक है। सो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, तो वी वन है 4 + j3, 4 + j3 कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगुलर से पोलर में, 5 ∠36.87। ये तो क्या वी वन, और 5 + j6 वी टू दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 7.81 ∠50.19। सिंपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, V1 इंटू वी टू इक्वल टू 5 ∠36.87 इंटू 7.81 ∠50.19। इसको मैं कलर कोड से आपको बता देता हूँ कि ये तो मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखिए 5 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 7.81 से, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 39.0, ठीक है। और ये जो एंगल है दोनों के दोनों, ये एंगल दोनों दोनों ऐड जाएंगे, दोनों प्लस में है तो ऐड जाएंगे, 36.87 और एंगल 50.19, तो ये एंगल मिलके हो जाएंगे 87.06। चूंकि क्वेश्चन में पोलर रेक्टेंगल फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको अब हम रेक्टेंगल में बदल देंगे, इसको जब मैं रेक्टेंगल में बदलूंगा 39.05 ∠87.06 को, तो V1 इंटू V2 आ जाएगा 2 + j39, कितना जाएगा 2 + j39, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर में, सो V1 इंटू V2 बराबर आपके आ जाएगा 2 + j39। ठीक है, सिमिलरली इफ यू टेक V1 अपॉन V2, तो क्या हो जाएगा V1 upon V2 इक्वल टू 5 ∠36.87 अपॉन 7.81 ∠50.19। तो इसमें ये तो डिवाइड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो डिवाइड हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड कितना है 5 upon 7.81, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 5 upon 7.81 कितना हो जाएगा 0.6, ये जो हो जाएगा 0.6, ठीक है। और एंगल कितना है, एंगल है आपके 36.87 - 50.19, ठीक है, ये एंगल कितना जाएगा 30.32। ये कैसे आया, ये आया बेसिकली 36.87 - 50.19 इक्वल टू -13.2, आगे समझ में, 36.87 - 50.19 इक्वल टू 13.32, तो ये आपके आ गया है -13.3, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.64 ∠-13.32, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो कितना है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, ये आ गया 0.623 - j 0.147, ठीक है। सो V1 upon V2 इक्वल टू क्या आ गया, 1 / V2 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0.623 - j 0.147, V1 upon V2 इक्वल टू ये आ गया, आ गया भैया समझ में, ये आपको ये ध्यान रखना है, आ गया ना, ये ध्यान रखना है कि अपने को मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए फॉर्म यूज करनी है, और रेक्टेंगल पोलर फॉर्म यूज करनी है, और एडिशन सबट्रैक्शन के लिए रेक्टेंगल फॉर्म। अब वैसे तो टॉपिक हो जाता आज, लेकिन टाइम भी हो गया थोड़ा सा,
और कल मैं इसका ट्यूटोरियल भी आपको दे दूंगा, ठीक है। ये क्लास को मैं भी अपलोड कर देता हूँ, एट्यूड नोट्स को तो भी अपलोड कर देता हूँ, और फिर बाद में यूट्यूब पे डाल दूंगा इसको मैं। तो इसमें कुछ पूछना है या समझ में आ गया, एनी डाउट? तो आ गया सर, आ गया ना। तो आज जो हमने करवाया वो रेक्टेंगल से पोलर, पोलर से रेक्टेंगल, सॉरी एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, टू और मोर वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर्स, ठीक है। बन हाँ बोलो अमित, बंद करेंगे क्लास? यस सर, ठीक है, चलो ओके।